जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे फॉर्म एसएससी का फॉर्म फिलअप करोगे। आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसी है, वो किस प्रकार से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी साइट पे जाना है, उसके अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड आपका जो है वो एंटर करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में जो कैप्चा है नीचे का वो भी आपको एंटर करना है, बी और एफ। फिर आप जैसे लॉगिन के पेज पे क्लिक करोगे तो नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा हुआ लेटेस्ट नोटिफिकेशन, उसके नीचे होगा फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। अब आपको चेक कैसे करना है कि कौन सी पोस्ट मेरी जो है आईटीआई वाली जिसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या है, पोस्ट डिटेल पे जाना है। पोस्ट डिटेल पे जाओगे और वहां पर लिखा होगा कि मतलब मैंने आपको बताया कि कौन सी पोस्ट पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ओनली आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का, एमएमबी डीजल और टर्नर इसके अंदर है, एमएमवी डीजल और इसके अंदर आएगा आपके पास एक है फिटर, ये तीन ट्रेड है, तीन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और साउथ रीजन में जाओगे आप, जैसे साउथ रीजन पे क्लिक किया मैंने 2022, इसको सर्च करेंगे और इसके अंदर क्या सर्च करेंगे, 1152, ठीक है। 1152 पे जाओगे तो आपको आपकी जो पोस्ट है वो मिलेगी 1152, एक मिनट, ये रही टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग, ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी है, जो बीआरओ के अंदर वैकेंसी निकली थी उसके सेम लेवल की वैकेंसी है, पे लेवल इसके अंदर सेम है। और ये किसके अंडर में आ रही है वैकेंसी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, और ये फरीदाबाद के अंदर जो है डिपार्टमेंट उसके अंडर में आएगी वैकेंसी, तो आपकी जो वर्किंग है उसके अंडर में होगी। तो देखिए सीरियल नंबर SR1152 याद रखेंगे, ये जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस वैकेंसी की जो इस ये कोड है, ये कोड सर्च करेंगे, इस कोड से ही आप फिलअप करोगे, ठीक है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगी गई है और इसके अंदर क्या मांगे क्वालिफिकेशन में, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक और या इसमें फीटर के अंदर, ठीक है, बस इतना ही आया इसमें मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक या फिटर के अंदर, ठीक है। ये तीन ट्रेड है, तीन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैकेंसी दी गई है वो है 35 टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर 34 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, 34 वैकेंसी ओनली ओबीसी कैंडिडेट के लिए, इसके अंदर यूआर की वैकेंसी नहीं है और एक वैकेंसी है एससी की। और इसकी एज लिमिट देखिए आप, एज लिमिट है यहां से 18 से 27 साल प्लस आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपके पास 3 साल का और ऑप्शन होता है, और एससी वालों के 5 साल का एज रिलेशन है इसके अंदर, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और इसके अंदर कौन सा है, लेवल 2 की वैकेंसी है 19,900, सेम बीआरओ की जो वैकेंसी है उसमें भी सेम पे मेट्रिक सेम ही है इसका, ठीक है। और क्या है, कोई भी मेल हो या फीमेल हो दोनों कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसकी पोस्टिंग जो होगी वो होगी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उससे पहले आपको याद रखना है कि जो इसकी पोस्टिंग होगी वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु के स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। और इसकी जॉब जो कंडीशन होगी, जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ रिग एंड इक्विपमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अदर लोडिंग अनलोडिंग टेकिंग ऑफ स्टोर एंड इक्विपमेंट्स डिगिंग ऑफ पिट्स लेवलिंग ऑफ रिग मड मिक्सिंग, ठीक है, ये सब वर्किंग होगी इसकी। और जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो सेम जिसके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन इसके अंदर नहीं मांगी गई है वो है हमारे पास ईस्टर्न रीजन के अंदर 2022, इसमें सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर है 1252, ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे 1252 ये रही, एक मिनट ये नहीं है, 1252 नीचे आएगी, ये रही टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग का, ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फरीदाबाद। नेक्स्ट करेंगे यहां पे भी देखिए ER1252 टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग
मैट्रिकुलेशन मांगी गई है इसके अंदर, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक और फिटर, ठीक है, ये तीन ट्रेड मांगी गई है। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 35 वैकेंसी है और ओबीसी की 27 वैकेंसी है, ठीक है, और एससी की एक वैकेंसी और 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे, और यहाँ पे वही सेम जो क्राइटेरिया है 18 से 27 की एज है इसके अंदर लिमिट, और जो क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं है, और इसके अंदर किसके अंदर में डिपार्टमेंट नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, भूजल भवन फरीदाबाद, और लेवल टू की वैकेंसी है, और इसके अंदर क्या आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो क्या होगी, एनीवेयर इन इंडिया वेयर सी जी डब्ल्यू बी हैज इट्स रीजनल ऑफिस एंड एस्टेब्लिश्ड विद ऑल इंडियन सर्विस लायबिलिटी। आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब मिल सकती है, जॉब पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, यह नहीं है कि आप जिस होम टाउन के पास में आपको जॉब दी जाए, ऐसा नहीं है, आपको कहीं भी पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई करें कि भाई इसके अंदर ये नहीं है कि ऑल इंडिया में आपको अगर साउथ पार्ट दे दीजिए तो साउथ पार्ट आप नहीं जाओगे तो जाना पड़ेगा, इसके अंदर ये कंडीशन है कि आपकी पोस्टिंग वहीं होगी इसके अंदर, यानी होम टाउन के आसपास दे दीजिएगी आपके। और इसके अंदर जो जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन पोस्टों के बारे में जिसके अंदर क्या है कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, वो पोस्ट कौन कौन सी है। जैसे ड्राइवर की बात करते हैं, सबसे पहले ड्राइवर की बात करते हैं, ड्राइवर के अंदर कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर 24 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसके अंदर वेस्टर्न रीजन के अंदर वैकेंसी है वो, और वेस्टर्न रीजन में है, इसका कोड है 14222। एक मिनट, ये रही 14222 स्टाफ कार ड्राइवर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉमर्स कमीशन, ठीक है। इसमें व्यू डिटेल में आपने जाएंगे, व्यू डिटेल में WR14222 स्टाफ कार, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे आपकी 24 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ वैलिड, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, ठीक है, इसके अंदर एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग, मतलब 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10th पास आउट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द मोटर, ये बेसिक सी बात है। मेन चीज है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना है, 3 साल का इजीली आपके पास होगा, 3 साल का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए जो इसके अंदर पे लेवल में है वो भी 2 लेवल का है, और 19,900 से आपकी जो सैलरी है वही स्टार्ट होगी, और सी ग्रुप की सैलरी है, डी ग्रुप की नहीं है। अब इसके अंदर जो पोस्टिंग होगी वो आपकी मुंबई रीजन में होगी, ठीक है, सेंट्रल ऑफिस मुंबई के अंदर होगी जहाँ पे, और इसके अंदर जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपका भी इसके अंदर कि वेल नो ऑफ ड्राइविंग मोटर कार, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, इसमें हैवी मनी मांग रही है, इसमें लाइट भी चलेगा, आपके पास लाइट भी है तो लाइट भी चलेगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो बच गई वैकेंसी, जैसे दूसरी वैकेंसी है इसके अंदर जिनके अंदर 2 साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगे जाए, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 10100222, ये टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग की वैकेंसी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी है यहाँ पे, NE10222। इसके अंदर क्या मांगा गया आपसे कि आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास होना चाहिए, आपको 10th क्लास पास हो, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगे, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ITI होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल और फिटर और टर्नर, मतलब इन तीन में मैकेनिकल होनी चाहिए या फिटर होनी चाहिए या टर्नर के अंदर आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस और कुछ इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। इसके अंदर पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है UR की, ठीक है। अब इसके अंदर पोस्टिंग कहाँ होगी, शिलोंग और मेघालय की साइड में आपकी पोस्टिंग होने वाली है इधर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है हमारे पास इसके अंदर ईस्टर्न रीजन के अंदर
ऐसे तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसके अंदर भी आपसे डिस्कस किया है कि कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है, तो वो चेक कर लीजिए आप। उसके अंदर मैंने पूरी वैकेंसी को कवर किया है, इसके अंदर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस एक दो वैकेंसी में एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो नॉर्मली होता है आपके पास। तो ईस्ट रीजन में है हमारे पास वैकेंसी है 1352। देखिए एक वैकेंसी ये है कि इसके अंदर 15 एक टेक्निकल ऑपरेटर की वैकेंसी है यहाँ पे एक वैकेंसी, तो इसके अंदर एक वैकेंसी है, इसके अंदर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसके अंदर ईस्टर्न रीजन के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए IITI का, ठीक है, IITI पास आउट होना चाहिए आपके पास, एक वैकेंसी है इसके अंदर। और एक और वैकेंसी है जिसके अंदर UR की 2 है और OBC की 1 है इसी ईस्टर्न रीजन के अंदर, वो आपको बता देता हूँ जो इसका कोड है 1352। ये रही बिलिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, इसके अंदर क्या मांगा गया है आपसे, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसके अंदर, ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर, जिसके पास भी ड्रिलिंग ऑपरेशन का 2 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, लेवल 4 की, इसके अंदर लेवल 4 की है, 7th पे कमीशन है, इसके अंदर लेवल 4 का बहुत बढ़िया इसके अंदर पेमेंट आपको मिलने वाली है। UR की 4 वैकेंसी, इसके अंदर OBC की 1 वैकेंसी है, SC की 1 वैकेंसी है, और आपको बता दूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे आपको अप्लाई पे क्लिक किया आपने, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में जैसे होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद में गो डैशबोर्ड, वहां पे लिखा हुआ अप्लाई, ठीक है, अप्लाई पे आप जाओगे तो अप्लाई पे जाने के बाद में आपको जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप आई एग्री ये करके नेक्स्ट कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर 10वीं पास मांग गया है और IITI सर्टिफिकेट मांग गया है, IITI सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें 2-3 साल का पुराना आपके फोटो नहीं होना चाहिए, 3 साल से अंदर पहले का आपके पास फोटो होना चाहिए। धन्यवाद। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो प्रॉब्लम है या क्यूरी है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और IITI वालों के लिए सुनहरा मौका है, इसके अंदर कोई IITI का कोई आपसे नॉलेज नहीं मांग रही है, ना ही आपका IITI के कोई क्वेश्चन आएंगे, ओनली आपसे पूछा जाएगा GK, मैथ, रीजनिंग और इसके अंदर इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले, 25-25 नंबर कहेंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, तो 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। धन्यवाद।